विद्यार्थी मित्रों धोरण 6 विषय छे आपरो हिंदी पाठ छे ત્રીજો સમજદાર બની કહાની છે આપણી બરાબર આ તો કહાની વિશે આપણે જોઈ લીધું આગળ ભાગ 1 માં આપણે કહાની વિશે આખો સમજી લીધું પાઠની અંદર પણ જોઈ લીધું હવે એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય જોઈ લઈએ તો અભ્યાસની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે કે વાક્ય નિમ્નલિખિત વાક્ય કિસને કિસસે કહા ઓર ક્યું બતાઈએ પહેલું જ વાક્ય છે માં મે ઉસકી ગંદી આદત छुड़ा कर रही थी तो आ वाक्य कौन बोले छे तो आ वाक्य नन्ही पिच्छू से कह दिए तो यहाँ लखवानो यह वाक्य नन्ही पिच्छू से नहीं पिच्छू से नहीं अपनी माँ से माँ में उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी तो नहीं अपनी माँ से कहती नहीं अपनी माँ से कहती है क्यों कहती है क्योंकि वो बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाना चाहती है तो आगे लगवानो क्योंकि क्योंकि नन्ही बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाना चाहती है गंदी आदत छुड़ाना चाहती है बराबर इसलिए बीजू वाक्य से क्या करो डंक मारना मेरा स्वभाव है तो यह वाक्य कौन बोलता है तो यह वाक्य बिच्छू नन्ही से कहता है क्यों कहता है क्योंकि उसका स्वभाव डंक मारना है वो अपने स्वभाव से परिचित है गुलाम है अपने स्वभाव का यह वाक्य बिच्छू बिच्छू नन्ही से कहता है नन्ही से कहता है क्योंकि क्योंकि वह अपनी बुरी आदत का गुलाम है बुरी आदत का गुलाम है आगर से त्रीजो कि तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तेरे काम नहीं कोई तेरी मदद नहीं करेगा तो यह वाक्य कौन बोलता है तो यह वाक्य नन्ही किससे कहती है तो यह वाक्य नन्ही बिच्छू से कहती है क्यों कहती है क्योंकि क्यों कहती है क्योंकि वो उनकी बिच्छू की गंदी आदत से उसे चेतावनी देना चाहते है गंदी आदत से वो चेतावनी देती है कि फिर कोई तुझे ऐसे दलदल में फंसेगा तो कोई तुझे बचाएगा नहीं त्रिजू चौथू छे भलाई करना मेरा स्वभाव है तो यह वाक्य नन्ही से नन्ही ने बिच्छू से कहा भलाई करना मेरा स्वभाव है तो यह वाक्य कौन कहता है नन्ही बिच्छू से कहता है नन्ही बिच्छू को कहती है क्यों कहती है क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात से विश्वासघात को भूलकर अपनी उसने उसकी मदद की थी वो बिच्छू की विश्वासघात बिच्छू ने उस नन्ही ने बिच्छू को बचाया फिर भी बिच्छू ने उसको डंक मारा है बिच्छू ने उसके साथ विश्वासघात किया फिर भी वो विश्वासघात भूलकर उनको छुड़ाना चाहती थी चलो छे मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा तो यह वाक्य बिच्छू नन्ही से कहता है क्यों कहता है क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे पछतावा होता है लेकिन पर ये पछताए छे इतना माटे एक है छे
त्यार पछी छे कि यदि तुम नन्ही की जगह, बीजो प्रश्न छे कि यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर बताइए। बराबर, तो तुमने कीधु छे कि यदि तुम बिच्छू की, अरे नन्ही की जगह तुम होते तो क्या करते, तो आपका स्वभाव बतक जेवो नहीं, समझदार नन्ही जेवो नहीं, आपने तो सामे ने डंक मारे, ये आपने मारे तो आपने पण एने मारे, क्यारे आपने एने बचाइए नहीं, आपना स्वभाव एवा छे मानव जातिना। बराबर, तो आपरा जेवो वर्ताव होय ए वर्ताव तमारे जाते विचारीने लखवानो छे। त्यार पछी आवे छे स्वाध्याय, तो स्वाध्यायनी अंदर पहेलो प्रश्न छे कि नन्ही कोण थी, तो नन्ही एक बतक थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, क्योंकि वो नन्ही बार बार उसे बचाती थी और बार बार वो डंक मारता था, फिर भी नन्ही ने उसे बचाया, इसलिए उसे पछतावा हुआ। नन्ही ने क्या निश्चय किया, नन्ही ने क्या निश्चय किया, तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी, जो भी मुसीबत में पड़ेंगे फिर भी वो उसे बचाती रहेगी। पांचवा प्रश्न है कि नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया, क्योंकि बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकल कर बचाया। भी दूसरी बार, पहली बार तो बचाया, फिर भी दूसरी बार वो अपने मन में विचार कर लिया था कि अभी मैं उसको बचाऊंगी नहीं, फिर भी वो विनती करता है, गिड़प कर गिड़गिड़ा रहा था और बोल रहा था, बहन मुझे बचाओ, मुझ पर दया करो, इसलिए उसने उसे बचाया। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माने नन्ही से क्या कहा, तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में नन्ही के माने नन्ही से कहा कि वो अपनी गंदी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार तुम बचाए जाए, वह बार बार तुझे डंक मारता रहेगा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा, तो नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि बिच्छू का स्वभाव, अपना स्वभाव कैसा है, तो भलाई करना पूरा अपना स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने की अपनी आदत क्यों छोड़ दूं, मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। वो ऐसा कहती है, अपने स्वभाव के बारे में कहती है कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, कोई भी हो वो मुसीबत में आएगा तो मैं उसे बचाती रहूंगी। त्यार पछी जो घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखे, बराबर पांच आप्या छे, तो पांचमाथी जो अंदर नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई, नन्ही ने बिच्छू को दल दल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो आनी अंदर जे ब्रैकेट छे एनी अंदर आपने जवाब मां शुं लखीशुं, तो पहलो जे आवशे एनी अंदर पांचमो आवशे, कयुं के नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। नन्ही ने बिच्छू को
दलदल से निकाल कर, दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया, सूखे स्थान पर रख दिया। त्यार पछी त्रीजू आवशे, बिच्छू ने नदी को डंक मार दिया। त्रीजू शू आवशे, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। चौथो आवशे, शू आवशे चौथो, कि नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। अने पांचवा वाक्य आवशे, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। आ रीतना तमारे क्रममां लखवानुं छे, बराबर। आपणे अहींया आवी रीतना खा આપ્યા છે પાંચ બ્રેકેટ, તો એની અંદર તમારે લખવાનું છે। પહેલાનો જવાબ શું આવશે, તો પાંચમો, બીજાનો ચોથો, બીજાનો બીજો, પહેલો ને ત્રીજો, આ એક ક્રમમાં લખેલું છે, બરાબર। કે પહેલું શું આવશે, તો નહીં ને બીજું કો દલદલ મેં ફસાવવા દેખાય ડ, એની અંદર ડ છે, તો આપણે એક બે ત્રણ ચાર નહીં પણ ડ ક અવ કડ છે, અવ કડ ઈ, તો એ પ્રમાણે લખવાનું। ત્યાર પછી જુઓ કે ઇકાઈ મે સે પાંચ સંજ્ઞા શબ્દ ઢૂંઢે ઓર વાક્ય મે પ્રયોગ કીજે। તો પહેલી સંજ્ઞા છે બિચ્છું, એવી રીતના બીજું શું આવે, નહીં, સ્થાન, મુસીબત, પાણી અને આદર। તો બિચ્છું વિશે એમને લખ્યું છે કે બિચ્છું દલદલ મે ફસ ગયા થા, એ નન્હી, તો નન્હી ને બાર બાર બિચ્છુ કો બચાયા। સ્થાન, તો નન્હી ને બિચ્છુ કો સુખે સ્થાન પર રખા। મુસીબત, તો નન્હી હર બાર બિચ્છુ કો મુસીબત સે બચાતી હૈ। પાણી, તો નદી મે પાણી ગહરા હૈ। આદત, તો આદમ બિચ્છુ ગંદી આદત કા ગુલામ હૈ। એસે હમ વાક્ય બના सकते हैं। त्यार पछी प्रश्न चार छे कि इकाई में प्रयुक्त मुहावरे में से किन्हीं तीन मुहावरे को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अगर आपने चौड़ी के अंदर मुहावरे आप्या छे अहीं अगर, तो ए मुहावराना अर्थ छे पर वाक्य जाते बनाईने तमारे लखवाना छे, बराबर। अर्थ ने ए आपेलू छे मुहावरा, તો કોઈ પણ ત્રણ કીધું છે તો ત્રણ મુહાવરા લખવાનો, એનો અર્થ બી લખવાનો અને એનો વાક્ય પણ લખવાનો। ત્યાર પછી છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ ખોજ કર ઉનકા વાક્ય મે પ્રયોગ કીજે। તો પહેલું શું છે, તો પહેલું છે નદી, નદીનું સરિતા, તો એનું કોઈ એક વાક્ય બનાવ્યું છે કે નર્મદા ગુજરાતની સબસે બડી સરિતા હે, બરાબર, સરિતા એટલે નદી થાય, એવી રીતના બીજું છે સ્થાન, તો સ્થાનનું શું થશે, જગ, સ્થાનનું સમાનાર્થી શું થશે, જગ, તો જગનું વાક્ય આપણે બનાવવાનું, કેવું વાક્ય બનાવીશું, તો અચ્છે બુરે લોગ જગ પાયે જાતે હૈ, એનું વાક્ય બનાવવાનું, અચ્છે બુરે લોગ, અચ્છે બુરે લોગ
हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ जगह से तो आप यहाँ जगह ने नीचे अंडरलाइन मारी। ये इतना बीजू है, बीजू शू है स्वभाव, स्वभाव नु शू थे प्रकृति, स्वभाव नु प्रकृति। तो एनु वाक्य आपने बनावा, तो शू बनाई शू वाक्य एनु कि वह अच्छी प्रकृति का आदमी है, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। त्रीजु छे मुसीबत, मुसीबत एटले संकट, ने मुसीबत नु समानार्थी संकट थाय। तो एनु वाक्य आपणे शुं बनावीशुं के संकट में धीरज से काम लेना चाहिए, बराबर एवं वाक्य बनाई देवानू के संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। त्यार पछी प्रसन्न छे, तो प्रसन्न खुश, तो खुश नु तमारे वाक्य बनाई देवानू कि आज मैं बहुत खुश हूँ। त्रीजु थिरकना एटले के नाचना, एनो समानार्थी छे नाचना। तो एनु वाक्य लखवानू के वर्षा के बादल देख कर मोर नाचने लगता है। त्यार पछी छे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, तो ये आपणे हवे आवता भाग में जोईशुं।